बहुत लोगों को है ना फ्री वाला वैक्सीन मिला है, बट मेरी फैमिली है जितने भी 10-15 लोग सबको है ना पेड वाला ही मिला है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, आई डोंट नो। कुछ खबरी सुनानी पड़ेगी। कुछ खबरी ये है, ताज़ा ताज़ा खबर आई है, उड़ती नहीं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे सेंड हुआ है, यहाँ पे देख लो। कल गाड़ी धोई थी, उसके बाद है ना ये गाड़ी चली नहीं रही है। पेट्रोल की टंकी फुल है, बैटरी भी पावरफुल है। जैसे मैं दिखाता हूँ, हॉर्न देखो बज रहा है। अरे बाप रे, धुआं छोड़ रहा है। बंद हो गया वापस। तो जैसे आपने देखा कि मेरे हेलमेट को मैं साफ कर रहा था, बिकॉज ऑफ 4-5 दिन से जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, उसकी वजह से हेलमेट ना पूरा गंदा हो जाता है। तो जब भी मैं बाइक राइड करता हूँ ना, तो पूरा धुंधला दिखाई देता है, और वही धूल मट्टी अपने बॉडी में भी जाती है। इसके लिए टिश्यू पेपर से मैं प्रॉपर उसको साफ़ कर रहा था। पूरे हेलमेट को साफ़ करने के बाद आप लोग ये देख लो कि किस तरह का टिश्यू पेपर गंदा हो चुका है। एंड हेलमेट साफ़ करने के बाद देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अपना गोप्रो को भी मैंने प्रॉपर साफ़ कर लिया, क्योंकि तो हमेशा गोप्रो है ना मैं आगे लगाता हूँ ना, तो ये भी बहुत मतलब बहुत गंदा हो जाता है। बट जितना मेरे से हो सका इतना मैंने इसको साफ़ कर लिया है। पूरा सैटरडे है तो अपनी ऑफिस में छुट्टी है, बाहर जाना था बट प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि जैसे बार बार बता रहा हूँ कि मुंबई में बोला गया है कि आप कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे नहीं जा सकते। इसके लिए जो बेचारे राइडर लोग हैं पैसा खर्च करके आते, वो लोग बोलते हैं यार जब प्लेस ही ओपन नहीं है तो जाके क्या करें, और बोलते बाद में यार पैसे डूब जाएंगे, सिर्फ नाश्ता करके घर पर आ जाओ तो मज़ा नहीं आती। क्योंकि एक तो मुंबई में रास्ते ख़राब, ट्रैफिक और बारिश आई तो और भी परेशानी होती है, क्योंकि रास्ते एकदम गंदे हो जाते तो बाइक स्लिप मारने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट एक अच्छी बात है कि सैटरडे का टाइम है और मुंबई में वैक्सीन नहीं मिलता, बट धवल और अनिला मासी जैसे मेरी आंटी बोलो या जो भी मिलवाया था, उनका वैक्सीनेशन का हम लोग ने अपॉइंटमेंट लिया है, पेड वाला, नॉट फ्री वाला। बहुत लोगों को है ना फ्री वाला वैक्सीन मिला है, बट मेरी फैमिली है जितने भी 10-15 लोग सबको ना पेड वाला ही मिला है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, आई डोंट नो। आप लोगों ने फ्री वाला वैक्सीन लिया या पेड वाला मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट हम लोग तो पेड वाला लेने वाले हैं। अपॉइंटमेंट है 12 बजे का, तो ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, बट अस्पताल है ना हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सब पता तो रहता नहीं और ट्रैफिक भी बहुत सारा है। इसके लिए सीधा निकलता हूँ और मैं मोटो ब्लॉक करता हूँ। तब से आप जो है अपनी सेविंग्स करना शुरू करते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर। मासी तो वैक्सीन लेने के लिए रेडी, बड़े कॉमेडी करती है, बोलती है मोबाइल लू या नहीं, बोलती है 63% है। मैं बोला अरे घूम घूम गई तो फोन किसको करेगी। और ये अपना बैग मैंने ले लिया, DSLR तो यहीं रखूंगा, कि ये बाहर जाते तो यार मोबाइल से ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है वीडियो बनाना। चश्मा पहन लेता हूँ, ये बाइक की चाबी, ये घर की चाबी, कांच बंद कर दो, कांच बंद कर दिया। पानी की बॉटल लेनी पड़ेगी, ये पानी की बॉटल भर ली है, पंखा बन गया। ये जूते पहनूँ या चप्पल पहनूँ समझ में नहीं आ रहा है, बारिश आता तो चप्पल अच्छा रहता है या शूज़, काम करता हूँ शूज़ ही पहनता हूँ मैं। और मेरी मासी का ड्रीम था कि मेरी स्कूटर पे बैठ के कहीं गोल गोल घूमे, तो आज ऐसा हो गया है वैक्सीन के बहाने हम लोग गोल गोल घूमेंगे। कल रात को ही बोल रही थी कहीं पे घुमाता नहीं, मेरे को बाहर नहीं लेके जाता, पूरे दिन के हम लोग घर पे बैठे रहे, टाइम पास के हिसाब से भी तो थोड़ा बहुत घुमा, तो आज ऐसा हो गया वैक्सीन भी लेगी और घूम भी लेगी मासी। अरे यार ये 14 या 15 माले की बिल्डिंग रहती ना, ये तकलीफ रहती है कि लिफ्ट जल्दी नहीं आती, और हम लोग इतने ऊपर रहते हैं ना कि भाई नीचे जाने को भी तकलीफ होता है, चल के जाएंगे तो बोलते ना 20 मिनट लग जाएगी नीचे चल के जाने को, इसके लिए सोचते कि लिफ्ट से ही जाए हम लोग। गूगल मैप मैंने ऑन किया है, बट बहुत तकलीफ हो रही है मुझे गूगल मैप देखने के लिए, क्योंकि ऐसा मैंने रखा हुआ है कि यहाँ पे अपने मोबाइल होल्डर नहीं है ना, और ट्रैफिक ज़्यादा है तो क्या है बार बार गाड़ी रुका के ऐसा है ना यहाँ से ऐसे देखना पड़ रहा है, तो वो समझ नहीं रहा है। फिर क्या है रास्ता थोड़ा आगे चले गया तो दूसरा रास्ता बता देती है गूगल माता, ये तकलीफ हो रहा है। तो इसके लिए मासी को मैंने दिया है और ऐसे मैं देखते जा रहा हूँ और बाद में गाड़ी चला रहा हूँ। अपने को मोबाइल होल्डर लेना ही पड़ेगा यार, इट्स कंपलसरी। और गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो चुकी है यार, क्योंकि जो पार्किंग एरिया ना उसके ऊपर पेड़ है ना, तो वहाँ पे कौवे मतलब जो भी पंछी बैठता है ना गंदा कर देता है एक ही दिन में यार। कल ही गाड़ी धोई थी, आज देखो वापस कैसी कर दी। और ये मेन चीज़ यहाँ पे कह किया, तो अभी मेरे को रोड देखना पड़ेगा, मैं गाड़ी साइड पे लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि राइट मारना है लेफ्ट मारना है क्या बता रहा है भाई तू। रीसेंटर करता हूँ यहाँ से ऐसा लेके, ये ले पकड़, हाँ एक मिनट रुक, हाँ ये टर्न मारने का अपने को, फिर बाहर की तरफ है, ये ले मासी पकड़। सो फाइनली गली गुच्छी से पहुंच ही गए हम लोग तुंगा हॉस्पिटल,
वहाँ पे देख पा रहे रहोगे। बट अपने को बाइक पार्किंग करने की है मासी, बाइक पार्किंग करनी पड़ेगी ना। हाँ लेके चलता हूँ एंट्री कहाँ से सब कुछ। दे मोबाइल, यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा ना। अरे बाप रे लाइन देख गाइस, ये देखो वैक्सीन लेने के लिए लोग कितने लोग खड़े हैं। अरे या बोलो। हाँ ओके, तो मासी ने अपनी सीट ले ली है, हथिया दी मतलब। पहले बैठने का इंतजाम किया, लाइन में खड़े न रहे। कोई बात नहीं चलेगा यार। ये है मुंबई की हालत देख लो। अभी मासी को तो मैंने हॉस्पिटल में ड्रॉप किया, मैं बोला चल पेट्रोल पंप पे पूछ के आता हूँ अपनी गाड़ी धो लेता हूँ, बट वहाँ पे मिला नहीं। और बाकी तो देखो कितनी ट्रैफिक है यार, देखिए ना दिमाग बैंड बज जाती है। अरे यार गाड़ियाँ भी कैसे चला रहे, थोक देंगे जैसे एक दूसरे को। ये है मुंबई की हालत। मैंने सोचा अपनी गाड़ी को है ना प्रॉपर धुलवा लेता हूँ यार, क्योंकि जो पंछियों का जो सीट रहता ना उससे बहुत गंदी हो जाती गाड़ी। बट बोला बहुत लंबा है, लेट्स सी। पहले मैं वापसी को पूछता हूँ अकेले हैंडल कर पाएगी क्या वैक्सीन का, ये उनको कुछ समझता नहीं, इसलिए तो साथ में आना पड़ा। मेरी वैक्सीन के लिए मैंने जितना टाइम दे दिया ना, इतना बोलते ना दूसरे किसी को हेल्प कर देना उधर टाइम देना पड़ता है। मेरा वैक्सीन मैंने आधे घंटे में ले लिया था, अभी मासी का वैक्सीन लेते लेते लगता है मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। एक तो पहले कितना लंबा था, मेरा सीधा अंधेरी में था, सीधा पहुंच गया और काम हो गया। बट ये मासी का तो यार पहले तो काफ़ी लंबा था, 1 घंटा ड्राइविंग करके आना पड़ा। एक तो रोड मालूम नहीं था, तो बोलते ना गली गुच्छी में ऐसे घुसा घुसा के लाया। एंड दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे आके पता चल रहा है कि इतना लंबा लाइन है। मुझे लगा डायरेक्ट रहेगा पेड़ वाला, बट नहीं है। तो मासी का अभी वैक्सीन हुआ नहीं, हम लोग ने 2 घंटा बर्बाद कर दिया। रीजन क्या है घर पे जाके एग्जिट में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 घंटा कंटिन्यू खड़े रह के ना हम लोग थक चुके हैं। तो अभी पहले घर पे जाते हैं, फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या और क्यों वैक्सीन नहीं लगा। रुक बे चल, आप लोग बोलते रहे ऐसे क्यों बात कर रहा है, बट बोलते ना मुंबई भाषा ऐसी ही रहती भाई, और प्यार से बोलो तो कोई सुनता भी नहीं, जाने भी नहीं देगा आपको, फिर ऐसे बोलना पड़ता है थोड़ा एग्रेशन के साथ। रुक बे जाने दे, ये कर वो कर, ऐसा बोलना पड़ता है रे। अरे बिल्ला क्या खाता है, कितना तगड़ा एकदम। मेरी गाड़ी की हालत देखो क्या हो चुकी है, ऐसा लग रहा है भंगार है। अभी इसको जाके ना साफ सुफ करेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी कैसी दिखती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, घर पे जाके मैं बताऊंगा कि मासी का वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब हम लोग उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर करा रहे तो आधार कार्ड मांगता है, तो आधार कार्ड में हम लोग ने जब नेम अपडेट किया तो सिर्फ है ना कांतिलाल जोशी नाम लिया, मतलब उनके हस्बैंड का नाम लिया, उनका नाम नहीं लिया। तो बाद में जब वैक्सीनेशन सेंटर पे गए और हमारा नंबर आया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे सब कुछ चेक किया और जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन करके जो भी अपडेट करना रहता है सॉफ्टवेयर में, तो करने गए तो पता चला कि वो मैच नहीं हो रहा है। फिर बाद में वो लोग ने जुगाड़ भी लगा रहे थे, अलग अलग नंबर से कुछ कर रहे थे, रेफरेंस नंबर ये वो, फिर भी नहीं हुआ। तो मैं बोला अभी इसका सॉल्यूशन क्या, तो उन्होंने बोला घर पे जाना, शांति से बैठना, जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उस नंबर पे जाके उसी नंबर से आप है ना आरोग्य सेतु ओपन करने के बाद नेम अपडेट कर लेना, जो भी प्रोसीजर बोलेगा वो करना, उसके बाद वापस आप वैक्सीनेशन सेंटर पे आना और वैक्सीनेशन लेना। तो इतनी बड़ी प्रोसीजर है। बट किसी ने बोला पेन कार्ड से भी वैक्सीनेशन सेंटर पे अपॉइंटमेंट मिलती है, तो हम लोग वो भी ट्राई करें, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैं ऐसे इसलिए बैठा हुआ हूँ, ये धवल का तो वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए आज भाई साहब ने ना ऑफिस से छुट्टी भी ली है, तो मज़े हो गए और 1 घंटे की नींद पूरी कर ली, चाय पी रहा है और अभी मेरे साथ नीचे गाड़ी धोने चल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी अपनी गाड़ी देखो कैसी भंगार वाली दिख रही है, तो उस गाड़ी को प्रॉपर धोना है। तो मैंने बोला भाई तू आ जा, कैमरामैन बन जा और मैं गाड़ी धो लूँगा। तो बोलते मेरी भी गाड़ी है, मैं भी वो भी धो लूँगा। तो अभी वो चाय नाश्ता करने के बाद सीधा अपने स्कूटर पे मिलते और अच्छी तरह उसको साफ करते, यार बेचारी बहुत गंदी लग रही है। रुक जा भाई, अपने व्यूवर्स को कुछ खबरी सुनानी पड़ेगी। कुछ खबरी ये है, ताज़ा खबर आई है, उड़ती नहीं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे सेंड हुआ है, यहाँ पे देख लो। जो मैं बोल रहा था ना मेरी मासी का पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराना है, वो हो चुका है, 9 तारीख का डेट मिला हुआ है। एड्रेस नहीं बताऊंगा वरना आप लोग मलाड़ में पहुंच जाओगे। अरे मलाड़ बताया, बट मलाड़ में कौन सा सेंटर है वो नहीं बताऊंगा। हो जाएगा, उसके बाद व्लॉग आएगा तो पता चल जाएगा कि मैं मलाड़ में कौन से सेंटर में गया था। बट अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, मंडे को है, काम हो जाएगा अपना, मिल जाएगा वैक्सीनेशन यो। और अभी धवल को मिला है सुई बड़ी वाली, चिल्लाया था बहुत, चिल्लाया नहीं था,
बना बोल रहा था अरे मेरे को कौन संभालेगा, मेरे को बहुत डर लग रहा था जाने के लिए, बोल रहा था मेरे को कौन संभालेगा, चलो मेरे साथ मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये वो ये वो, मेरा जा कुछ नहीं होता है, अकेला जाके अकेला। चलो ठीक है, आपको कुछ खबरी सुना दी। अभी हम लोग जाते हैं गाड़ी धोने के लिए, इसके लिए ये मास्क भी पहन के जाना है क्योंकि बहुत गंदी गाड़ी हो चुकी है, तो जब साफ सुफ करेंगे तो धूल मट्टी उड़ के हम बीमार ना पड़े, इसके लिए मास्क पहनना पड़ रहा है। गाड़ी मेन स्टैंड पे लगानी पड़ेगी ना भाई। एक्चुअली जाना था सर्विस सेंटर में, बट सर्विस सेंटर बोलते ना दोपहर के बाद बंद हो जाते हैं और काफी लंबे, बहुत दूर दूर है। यार खुद ही साफ कर लेता, क्या फर्क पड़ता है, अपनी गाड़ी है खुद धोने में काहे की फिर। यार ये कबूतर बहुत घान कर देते थे, इतना गंदा लग रहा है, छी अजीब लग रहा है। ऊपर देखो पेड़ है, ये पेड़ पे सब कौवे बैठते, कबूतर बैठते, साले सब गंदा कर देते हैं। मेरे अकेले की बाइक ने सबकी बाइक को गंदा कर देते हैं। एक दिन धोई रहेगी, कल देखना वापस कैसी हो जाएगी। कल भी आज भी दिखाता हूँ साफ करने के बाद कैसी दिखती है, पर कल देखना वापस कैसी हो जाएगी। जैसे हम लोग नहाते हैं वैसे गाड़ी को भी हर हफ्ते नहलाना पड़ता है, वरना बहुत मतलब बहुत गंदी लगती है, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। और लोग देख के जो, जब तुम्हारी गंदी गाड़ी देखेगी तो तुमको जो जज करेंगे ना वो बहुत खतरनाक रहता है, इसके लिए गाड़ी धोया करो। आज मेरे को खुद को लग रही थी यार कितनी गंदी है मेरी गाड़ी, तो मैं यार कर धो ही लेता हूँ मैं चाहे कुछ भी हो जाए। गया था मैं सर्विस सेंटर में पानी मरवाने के लिए, बट एक तो मिला नहीं, एक दो मिले तो बंद थे और दूसरा बहुत दूर था, इसके लिए खुद ही कर रहा हूँ। कल गाड़ी धोई थी, उसके बाद है ना ये गाड़ी चली नहीं रही है, पेट्रोल की टंकी फुल है, बैटरी भी पावरफुल है, जैसे मैं दिखाता हूँ, हॉर्न देखो बज रहा है, क्या बोल रहे हो, मैं मेरे बाद में बताता हूँ वो किसके लिए बता रहे हैं। इसके लिए बीच में जो वीडियो थी वो मैंने बंद कर दी और डायरेक्ट गाड़ी धोने के बाद ये वाली वीडियो बता रहा हूँ कि भाई गाड़ी धोने के बाद ये भी सब इश्यू होता है, पूरी गाड़ी खुलनी पड़ रही है। अरे बाप रे धुआं छोड़ रहा है, बंद हो गया वापस।